राजू ओ राजू हमारा राजू हो राजू भैया क्या है बे राजू देखा राजू देखा देखा तुमने कैसा कमीना है श्यामा का है? मैं कहता हूँ श्यामा कहाँ है वाह बेटा हम कोई चौकीदार है तेरी बहन के श्यामा रो, रो। वो घर चली गई बेटा हाँ मगर कुछ हम भी तो सुने आखिर अबे अबे ओ ओ ओ हमें बात तो सुन ओए ओए कहाँ नागे श्यामा ले देख देख ले अपनी आंखों से जिस बेईमान की तू माला जपती है कल से वो किसी और का हो जाएगा कल तेरे किशोर की सगाई हो रही है एक मालदार की बेटी के साथ मैंने तुझे लाख समझा लेकिन तूने एक नहीं मानी आखिर आखिर ये कमीना तुझे धोखा दे गया ना भैया जानती नहीं लोग आजकल इंसान की कदर नहीं जानते सिर्फ दौलत को पहचानते सिर्फ दौलत को तेरे पास रखा क्या है सुना है इस लड़की का बाप शहर का सबसे बड़ा रईस हैगा लाखों की जायदाद हैगी बड़े बड़े मकान हैंगे और जो कुछ दौलत खरीद सकती है वो सब कुछ हैगा उसके पास ये भी पसंद नहीं है लेकिन मैं पूछता हूं आखिर इसकी वजह क्या है कमला तीन बार ये मजाक हो चुका है जिस लड़के को मैं चुनता हूं उसे तू नापसंद कर देती है कहीं तूने खुद तो किसी को पसंद नहीं कर लिया है जी जी नहीं पापा बात ये है चाचा जी कि आप उसे खिलौना समझते हैं खिलौना यानी कि चांस ही नहीं देते चांस आखिर यह भी इंसान है ये तो चाहती है कि पहले दो किलो में कुछ जरा मेल जोल कुछ हंसी खुशी कुछ रोना धोना यानी कि कुछ क्या? लेकिन पिताजी मैं भी इंसान हूँ मेरे सीने में भी दिल है मैं ये चाहता हूँ कि शादी के पहले मोहब्बत होनी ही चाहिए अबे उल्लू के पट्टे कभी तेरे बाप ने भी मोहब्बत की थी कि तू ही करेगा पिताजी मेरी बात भी तो कुछ मैं कुछ सुनना नहीं चाहता दीवान बहादुर राम सरंदास ऐसा बेवकूफ नहीं बिमला जो अपनी बेटी और अपनी दौलत को किसी ऊचक्के नौजवान के हवाले कर दे अबे गधे लाखों की जायदाद है लाखों की जी हाँ लेकिन क्या दौलत ही सब देख अगर तूने जरा भी गड़बड़ी की तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा चमड़ी क्या समझा लला शुभारा सरकार आपके बुद्धू बेटे को मैं सिर्फ इसलिए घर जवाई बना रहा हूँ क्या आपका खानदान अच्छा है और मेरी नजर में आला खानदान बहुत बड़ी चीज है हालांकि मैं जानता हूं कि आप पन्ने दर्जे के लालची हैं और सिर्फ चांदी के टुकड़ों पर अपने बेटे को बेचने के लिए तैयार जी सरकार खामोश रहिए पहले मेरी बात सुन लीजिए जी हाँ सरकार जी हाँ आप जानते हैं कि कमला मेरी इकलौती बेटी और मेरे बाद मेरी तमाम जायदाद की अकेली वही वारिस होगी यही उसकी खुशनसीबी है और यही उस बेचारी की बदनसीबी है इसलिए मेरी वो जो चंद शक्ति हैं उन्हें एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ जी हाँ सर कब उठा मत लाला मैं आपको खूब पहचानता हूँ हाँ तो पहली शर्त यह है कि सगाई के बाद आपका कोई हक न मेरी जायदाद पर होगा न अपने बुद्धू बेटे पर आप इसे बेच रहे हैं और मैं इसे खरीद रहा हूँ लेकिन सरकार भला लेकिन लेकिन से काम नहीं चलेगा लाला जी हाँ कहिए या ना कहिए हाँ सरकार लेकिन फिर वही लेकिन मैं ऐसी बकवास का आदि नहीं हूँ
नहीं मंजूर है तो हटाइए अपने स्तंभ। सरकार भला ये कैसे हो सकता है, मुझे सब कुछ मंजूर है, सब मंजूर है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरे। चाचा जी जल्दी आइए, कमला की तबीयत एकदम खराब हो गई। क्या? और अगर फिर भी दौलत के बल पर मेरा सुहाग छीनोगी तो याद रखो जीवन भर दुखी रहोगी। एक दिन के लिए भी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा जीजी, एक पल के लिए भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। लेकिन मैं पूछता हूँ आखिर एकाएक हो क्या किया? अभी सुबह तक तो बिल्कुल अच्छी थी कमला। ओ बेटी कमला, पहले ये बताओ उसका नाम क्या है? नाम 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 तो मैंने पूछा ही नहीं। आखिर वो है कौन, कहाँ रहती है, कहाँ से आई और आई तो भाग क्यों गई? ये सब कुछ तो मैंने पूछा ही नहीं पापा। ये तो पूछे ही नहीं पापा। बहाने मत कर कमला, मैं जानता हूँ कि किशोर तुझे पसंद नहीं, लेकिन अब मुझे शक है कि असल बात कुछ और ही है। नहीं पापा, वो लड़की वाकई है। देख सक बता कमला, कहीं तूने तो शादी का वचन किसी को नहीं दे दिया? नहीं पापा, भला ही बस यही बात है चाचा जी, असल में ये खच्चे कच्चे नौजवान से प्रेम करती है और दोनों में शादी का पक्का वादा हो चुका है। नहीं पापा, ये क्या, तू चुप रह कमला। लेकिन ये नौजवान आपकी दौलत का भूखा नहीं जनाब, उसे ये तक नहीं मालूम कि ये आपकी बेटी है। एकदम बिल्कुल सरासर सफेद झूठ है। झूठ मत बोल। सुंदर सरकार, कह दो लाला जी से कि हमसे कल मिले। लेकिन सरकार ये मुहूर्त, जहन्नम में जाए आपका मुहूर्त। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता तूने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया। जमाना ही ऐसा बहन, आजकल सच्चाई झूठ के घर पानी भरती है। लेकिन अब कोई नाम सोचे, नाम ना? जी हाँ, नाम पता सब कुछ। अगर उन्होंने पूछ लिया कि कौन है, कहाँ से आया, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। शायद तू ये नहीं जानती कि तेरे दादा के जमाने में अगर हमारे खानदान के बारे में किसी ने ऐसी बेहयाई की बातें जबान से निकाली होती तो उनकी जबान खींच ली जाती, और मुझे खुद भी कम से कम अपनी औलाद से ये उम्मीद न थी। कमला, मुझे हैरत है कि तू मेरी बेटी होकर मेरी तालीम और तरबियत के बावजूद कब से जानती है तू उसे? राजकुमार सक्सेना। क्या? ये तो उसका नाम है चाचा जी, राजकुमार सक्सेना। राजकुमार सक्सेना, क्या खानदान? अजी खानदान के क्या कहने, शाही जमाने के रईस हैं। क्यों कमला? उम्र यही कोई 24-25 वर्ष होगी। क्यों कमला? अच्छा देखो, मैं उस नौजवान से मिलना चाहता हूँ, लेकिन आज ही। लेकिन बात यह है कि आजकल वो क्या नाम से वर्मा क्या हुआ है? वर्मा वर्मा, वहाँ उसके बाप का कोई कारोबार है। क्यों नहीं मिला? अच्छा तो कब आएगा? अजी यही कोई 4-5 महीने के बाद। एक महीना? मैं 15 दिन से ज्यादा नहीं ठहर सकता। अभी अभी उसे तार दो कि वो 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ आए और मुझसे मिले। ओके ओके चाचा जी, ओके ओके। लेकिन याद रखो, ये राजकुमार सक्सेना अगर 15 दिन के अंदर नहीं आया तो मैं 16 दिन का इंतजार नहीं करूंगा, समझ गई? सुंदर सरकार, लाला जी को बुलाओ जल्दी, और पंडित जी से कहो कि 15 दिन के बाद सगाई का नया मुहूर्त निकाले, समझा? अब बोलो तो इसमें क्या है, अभी मेरे साथ क्लब चलो, सब ठीक हो जाए। ठीक हो जाए।
शहर में लाखों नौजवान है पर तुम्हें एक नहीं मिलता। तुम जिसकी तरफ नजर उठा के देखोगे वो वही का वही कुर्बान होके रह जाएगा। लेकिन भागने से काम कैसे चलेगा? तुम जानती हो दिन कितने बचे? मैंने कह दिया मुझे ये काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा होगा कैसे नहीं? जरा ये सब ठीक तो देखिए। ये कौन? मास्टर। बड़ा ईमानदार आदमी है। तुम कहा तो बात चलाए। अबे सुंदर, कल कह दूंगी पापा। अच्छा? हाँ कह दूंगी। ये सब झूठ है। झूठ है? अब आपकी ये हिम्मत हो गई कि आप मुझे झूठा समझते हैं? क्या मेरा मतलब? मैं आपका मतलब खूब समझता हूँ लाला जी। मेरी बेटी, मेरी बेटी अगर मुझसे झूठ बोले तो मैं उसे गोली मार दूँ, समझे आप? उस नौजवान का नाम है राजकुमार सक्सेना। जब आएगा तो आप खोल कर देख लीजिए। लेकिन मुझे यकीन है कि आपके बुद्धू से तो अच्छा ही होगा। एम्पायर में रहता है, हजार रुपये दोगे तो यही राजकुमार सक्सेना बन गया जाएगा बाबा से। और कहीं पापा ने इतने से मेरी शादी कर दी तो पहले किशोर का पता का तो फिर देखा जाएगा। देखा जाएगा जी। अगर पता ना आए तो हजार रुपये और दे देना, वापस चला जाएगा। तेरी छुट्टी हो गई है? चला जाएगा। दौलत के लिए क्या नहीं करते दुनिया में। लेकिन देखो पहले अपना असली नाम पता मत बता देना, कहते ना यही कोई सुशीला वशीला। सुशीला समझती है ऐसे मामले में कदम रखना चाहिए। मुझे ऐसे मामले पसंद है, समझी? बिल्कुल पसंद है। कमला मैं पूछता हूँ कि वर्मा वाले का जवाब आया कि नहीं? जी जी चाचा जी, आप कोई फिक्र न कीजिए, वो एन वक्त पे आ जाएगा। क्यों कमला? हाँ जी सुन लिया आपने। देखो नया मुहूर्त 24 तारीख को निकला, अगर राजकुमार नहीं आया तो किशोरी से, लेकिन ये मुहूर्त नहीं चलने का, समझ गई? अब क्या होगा सुशीला? हाँ तो फरमाइए वर्मा, मुझे क्या करना होगा? वर्मा नहीं, काम तो ये भी बंबई में। अच्छा देखिए काम तो मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको एक वचन देना पड़ेगा। वचन? जी हाँ, जो कुछ मैं कहूँ जी किसी को मालूम नहीं होने पाए। अच्छा देखिए मिस्टर माथुर जी, मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया, लेकिन रुपयों के बारे में बिल्कुल फिक्र न कीजिए। यह दादी अभी दे सकती किसी वक्त, लेकिन पहले काम फिर दाम। खूब बहुत खूब। हाँ साहब, अब तो ये फरमाइए कि मुझे काम क्या करना होगा। काम? ओ काम देखिए जी, मैं जो हूँ यानी आप जो है जी, हाँ मैं हूँ मिस्टर माथुर जी, आप झूठ बोलना जानते हैं? झूठ? जी हाँ, एक बात ही है मिस्टर माथुर। रानी पर अब देख रहा क्यों आए सोची और हाथी रही जाने माफी देना दिए, कोई जगह नहीं, कोई कोई जगह नहीं मिलता। बाय बाय। तुम्हारे साथ खाएंगे थे? जी जी नहीं मैं प्लीज प्लीज जाने। ओह बस बस, चार आदमी का खाना लाओ, जल्दी करो जल्दी करो। मैम साहब हम पहले से यहाँ बैठे हैं, इसलिए आप लोग हमारे मेहमान हुए, क्यों सीखी ना? जी हाँ जरूर जरूर, लेकिन वेल हाउ नाइस, हमको नया लोग से मिलना बहुत प्यारी लगती, बहुत बहुत प्यारी लगता। जाने ओह पिता सर जॉनसन है, हाउ डू यू डू। आज हमको बहुत पुराना वाला बात याद आया,
जब हम जाने को पहली बार मिला एक चाइनीज होटल में, तो किसी ने हमारा पर्स मांगा। हेलो, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। आप अपना अपना पर्स संभालिए, कहीं गुम न हो जाए। मैं अभी आया, दो मिनट। लेकिन सुनिए तो, यस सर, अभी आ जाएंगे। जाने? जाने? जाने मैं मनी। What? 500 रुपया। रुपया? Where is that man? वो बदमाश किधर गया? बदमाश? ओ मिस्टर बदमाश। जाने? जाने ये फूल। Call the manager. It's one. Manager? Manager? ओ manager? Manager? मत मारो इसे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? Sorry. Please, please, मिस्टर थोड़ा दी, थोड़ा दी। हम तो बंदे नहीं मांगता, हम तो अपने रुपया मांगता। 500 रुपया मालिक। तुम बात नहीं सुनेगा? हाँ तो मिस सुशीला, अव्वल तो हमें शक है कि तुम्हारा असली नाम सुशीला नहीं है, और दूसरे क्योंकि तुम अपने बाप का नाम तक नहीं बताना चाहती। मगर मेरे बाप से आपको क्या मतलब है? देखिए, अगर आप नहीं मान गई तो ले लीजिए मेरे तेवर, मेरा हार, मेरा नेकलेस अकेला 5,000 का है। 5,000? हमको तुम्हारा नेकलेस नहीं मांगता, हमको अपना रुपया मांगता, मालूम? तो रुपया नहीं मिलता मालूम? देखिए मिलता कैसे नहीं? मैंने तुम्हें कह दिया कि मैं उस आदमी को नहीं जानता। मैं उस आदमी को नहीं जानता। देखो, अगर तुम अपने बाप का नाम और पता नहीं बताओगी तो हमें मजबूरन तुम्हें हवालात में बंद कर देना पड़ेगा। हवालात? जमादार साहब। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। प्लीज सुशीला, रो मत। सुशीला, ए जल्दी पानी लाओ। पानी लाओ। मेरे पापा का नाम है सुशीला। तुम्हें कई बार समझाया कि शरीफ उठाई गिरों से दूर रहा करो। इंस्पेक्टर, ये बेचारी खामखा चक्कर में आ गई है, मैं नुकसान पूरा किए देता हूँ। कितने रुपए की बात है मैडम? 500 रुपया। आहिस्ता बोलिए, मैं बहरा नहीं हूँ। 500 रुपया? ये लीजिए अपने रुपए। लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम हो कौन? मैं हूँ सुशीला का मामू। मामू? हाँ बेटा, घबराओ नहीं, अभी छुड़ाए लेते हैं। ये लीजिए निंदा, 1, 2, 3, 4, 5। यही हुआ, अब तो खुश हैं आप? थैंक यू वेरी मच मामू। चलो बेटा घर चलें। मामू नहीं नहीं सुशीला, ये तो मेरा फर्ज था। अगर इंसान ही इंसान के काम ना आया तो क्या हैवान आएगा? आओ चलो तुम्हें घर पहुंचा दें। कहाँ रहती हो? मैं तो आप कहाँ रहती? होटल एम्पायर। अच्छा जी, तो मैं कल आपके रुपए लौटा दूंगी। लेकिन तुम अकेली कैसे जाओगी? मैं चली जाऊंगी सुशीला, आप फिक्र न कीजिए, मेरा घर पास ही है। हाँ लेकिन मेरी बात तो संभल के जाओ सुशीला, क्या जान देना चाहती हो? नमस्ते मामू, आपने 2 बार बचाया है मुझे, मैं आपको जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मामू आप बर्मा गए हैं कभी? बर्मा? यह बात यह है कि मैं कल बताऊ आप क्या होटल? अच्छा, बहुत मैं इंतजार करूंगा। अच्छा टाटा। Thank you.
तू जानती है कि कमला आजकल इतनी उदास क्यों रहती है? उदास? मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम लोग कुछ क्या राजकुमार सक्सेना नहीं आएगा? जी, क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? तब क्या बात है? जी, बात ये है कि हमें डर है कि जब वो आएगा तो शायद आप उसको पसंद न करेंगे। पसंद? जी बेटा, मुझे तो बहुत खुशी है कि वो शख्स वाकई मेरी बच्ची को जानता है, सिर्फ मेरी दौलत को नहीं। जिमला, मुझे उस वर्मा वाले से मिलने का बहुत इश्तियाक। चाचा जी, मुझे भी उससे मिलने का बहुत इश्तियाक है। अरे तो क्या हर एक आदमी बुरा निकल आएगा, इतना घबराने की क्या बात है? मैं तुम्हारी जगह होती तो यूँ पसंद कर लेती। ये देखो प्रीतम पांडे है पसंद। अरे अरे कमला, अरे अरे निकल गया रही हूँ। प्रीतम पांडे, प्रीतम पांडे, मैं अभी जाके पापा को सब कुछ बता देती हूँ। कमला, ओह माय गॉड, पापा पापा, वो जो बर्मा वाला है कि नहीं? जो क्या आ गया? आ गया बर्मा वाला? जी नहीं, अभी नहीं, लेकिन आ जाएगा, जरूर आ जाएगा, और मुहूर्त के पहले ही आ जाएगा। आया? जी सरकार। मैं पूछता हूँ, ये कमला की तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है सरकार। क्यों हो इस मुलिया में, तो उसका बाप भी नहीं पहचानेगा। याद रखो तुम मेरी आया हो, क्या समझी? आया। शाबाश शाबाश। अच्छा लोग उसे अच्छी तरह देखो, वो आ रहा है। यही है प्रीतम पांडे? बिल्कुल। और ये तैयार है, अभी मैं इससे कहूँ कुएं में कूद तो नदी में डूब के मर भी जाए, लेकिन पहले पूछ तो लो। लेकिन लेकिन सब काम नहीं चलेगा। हाँ बोलो है ना। अच्छा भाई, हाँ शाबाश आया, शाबाश। ये लो 100 का नोट इनाम, मैं भी आई। लेकिन आया, चक्कों से होशियार रहना। ना भले भाई का ना। अच्छा ये लो 100 रुपये, कितना कैसा लगा भाई? मेरे पास ये लो बेटा, एक अन्नी और चालू हो जाओ। तुमको? मुझको? मैं तुम्हें कई मरतबा देख चुका हूँ। कहाँ? यहीं पर, मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। जब आता हूँ तो सो जाता हूँ, जब सो जाता हूँ तो एक सपना देखता हूँ, हमेशा वही एक सपना। जानती हो सपने में कौन आता? कौन? तुम। मैं? वही आंखें, वही नक्शा, वही आवाज। कहीं तुम्हारी शादी तो नहीं होगी? जी, जी नहीं। हम भी कुंवारे हैं अभी तक, लेकिन लेकिन साल भर से तुम्हारे सपने देख रहा था, साल भर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और अब तुम आ गई हो। तुमने मुझे कभी नहीं देखा सपनों में? जी नहीं, कभी नहीं, और देखना भी नहीं चाहते, समझे? अरे 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 बात सुनो, ए, 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 अरे क्या नाम है? Thank you.
इकन्ने ये लो, ले जाता लेकिन मैं पीछे छोड़ दू जगह तुम्हारे बाप की नहीं है समझी सलाम दुलारी देखा है आया की बच्ची अपने आप को परी समझती है परी देखो मिस्टर मैं तुमसे नहीं बोलना चाहती समझे देखो जी हम इस बंदरिया से बोल रहे हैं क्योंकि इसकी हमारी पुरानी मोहब्बत है कोई एतराज है भाई वाह क्या खतरनाक चार्ल्स भाई है दोस्त होता तो क्या गजब होता ना दुलारी दोस्त होता तो क्या गजब होता दुश्मनी पर तो प्यार आता है अच्छा दुलारी अब चल लिए कल मिलेंगे इसी वक्त ये मैंने बंदरिया से कहा तुमसे नहीं कहले कज्जे हो राम कहले